सुनो देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लो सी चंद्र वाला कोई वृत्ताकार ये पथ है, देखो ये खेल का मैदान है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। माना किसी चंद्र वाला कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाती है सोनिया नाम की लड़की, तो इसको कितना लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया और रवि दोनों चक्कर लगाता है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर तुरंत हुआ है। ध्यान दो, इसमें हिसाब में यह है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक सोनिया नाम की लड़की चक्कर लगाती है और रवि नाम का लड़का, आर से रवि एस से सोनिया, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। देखो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये लाइन देखो, एक ही स्थान, तो मान लो इस स्थान से दोनों चक्कर लगाना शुरू करता है और एक ही समय, तो मान करके चलो 8 बजे सुबह में दौड़ लगाना शुरू करता है सोनिया और रवि, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये सोनिया जो है, ये सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया जो है, मान लो ये सोनी और रवि 8 बजे एक ही साथ चक्कर मारता है, तो सोनिया एक चक्कर मारने में 18 मिनट लगता है। देखो तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसका मतलब यहाँ 8 बजकर 18 मिनट पर, इसका अर्थ समझ जाएगा ना, 8 बजकर 18 मिनट पर सोनी एक चक्कर मारेगी, 8 बजकर 18 मिनट पर सोनी का एक चक्कर, ऐसे देखो। रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, वो भी 8 बजे चला था, तो रवि जिस समय में आएगा 8 बजकर 12 मिनट पर रवि आ चुका रहेगा, एक चक्कर मार चुका रहेगा, यानी रवि को लगता है ना 12 मिनट। देखो रवि को 12 मिनट एम से मिनट एक चक्कर में लगता है, सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर में लगता है। इसका अर्थ हुआ, जो दिन के 8 बजे चक्कर लगाना शुरू करेगा, तो रवि 12 मिनट के बाद यानी 12 मिनट में घूम करके यहाँ जब आएगा रवि, तो रवि के लिए कितना यहाँ पर टाइम हो रहा है, 8 बजकर 12 मिनट, एक चक्कर पूरा कर लिया। अभी सोनिया को लगेगा कितना, 18 मिनट, तो 6 मिनट से पीछे है कहीं, समझ रहे बात को? रवि तब तक रुका तो नहीं रहेगा, तो रवि दूसरा चक्कर जो मारेगा, ये रवि की चर्चा हो रही है खाली,
आठ बज करके 12 मिनट में फिर दूसरा 12 मिनट में रवि एक चक्कर मार लेगा, तो 8 बज करके 12 मिनट में 12 मिनट फिर जोड़ो, 8 बज करके 24 मिनट में रवि दूसरा चक्कर मारेगा। इसके बाद सोनिया 8 बज करके 18 मिनट में यहाँ आएगी, 8 बज करके 8 बजे चली तो 18 मिनट में एक चक्कर मारेगी, तो यहाँ सोनिया जब तक आएगी तो 8 बजकर 18 मिनट हो चुका रहेगा, 8 बजकर 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर मारेगी, ठीक है। सोनिया फिर 8 बज करके फिर 18 मिनट एक दूसरा चक्कर मारने में लेगी, तो 8 बजकर 18 मिनट में 18 मिनट जोड़ो, तो 8 बजकर 36 मिनट में दूसरा चक्कर मारेगी सोनिया। रवि को देखो 8 बजकर 12 मिनट में एक चक्कर मारा, फिर 12 मिनट बाद 8 बजकर 24 मिनट में दूसरा चक्कर मार लिया, है ना। तो सोनिया पर गौर करो तो 8 बजकर 24 मिनट हो रहा होगा, तो इसका मतलब फिर पीछे है, 8 बजकर 24 मिनट पर रवि यहाँ रहेगा, 8 बजकर 36 मिनट पर यहाँ रहेगा, यानी 8 बजकर के इसमें रवि 12 मिनट में दो चक्कर मारा, तो 12 मिनट और जोड़ो, 8 बजकर 36 मिनट में रवि का तीसरा चक्कर होगा। अब देखो सोनिया का 8 बजकर 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा होगा, तो सोनिया दो चक्कर मारेगी तो यहाँ आएगी, तब तक रवि 3 चक्कर मार करके यहाँ आएगा, और 8 बजकर के 36 मिनट में 8 बजकर के 36 मिनट में रवि और सोनिया की मुलाकात यहाँ हो जाएगी 36 मिनट बाद, समझा इसको। कौन कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर में तो सोनिया पीछे है, 8 बजकर के 18 मिनट में सोनिया पहुंचेगी एक चक्कर लगाने में, तू 12 मिनट में 8 बजकर के 12 मिनट में 6 मिनट पहले यहाँ आ चुका रहेगा, तो सोनिया पीछे है, तब तो यहाँ एक चक्कर मारा ये रवि, तब तक तो भेंट नहीं हुई पहला चक्कर में, फिर दूसरा चक्कर रवि मार लेगा 8 बजकर 24 मिनट में, 8 24 में सोचो ना 8 बजकर 18 मिनट में यहाँ आई, तो 18 6 मिनट में कहाँ जाएगी, तो 18 मिनट में एक चक्कर, तो 6 मिनट में एक तिहाई मान करके चलो यहाँ पर रहेगी, तो रवि के लिए यहाँ 2 चक्कर पूरा हो गया, सोनिया दूसरा चक्कर में यही है, तो तीसरा चक्कर में रवि जब 8 बजकर के 36 मिनट में यहाँ आएगा, तो सोनिया देखो पहला चक्कर 8 बजकर 18 मिनट में मारी थी, तो दूसरा चक्कर फिर 18 मिनट यानी 8 बजकर के 36 मिनट में सोनिया दूसरे चक्कर में इस बिंदु पर रहेगी, और रवि तीसरा चक्कर मार चुका रहेगा, तब तक इस बिंदु पर आ चुका रहेगा, तो दोनों की भेंट हो गई कितने बजकर कितने मिनट में, 8 बजकर 36 मिनट में, यात्रा शुरू किया था 8 बजे, यानी ठीक 36 मिनट के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्या समझा। कोई भी टाइम लेंगे, अगर 9 बजे लेते तो पर भी 9:36 9 बजकर इसी तरह फिर 9 बारे में फिर 36 जोड़ देंगे, है ना। देखो इस टाइप के हिसाब को रवि ले रहा है कितना, एक चक्कर में 12 मिनट, और सोनिया ले रही है 18 मिनट, ये दोनों का लगभग निकालो 12 और 18 का, 6 × 12 = 36, 6 × 12 किया 36 आ रहा है ना। तो इसमें एक बात और देखो, तो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, तो हो गया 36 मिनट के बाद दोनों की पहली मुलाकात होगी। अगर दोनों दौड़ते ही रह जाए तो दूसरी मुलाकात कब होगी, तीसरी मुलाकात कब होगी, चौथी मुलाकात कब होगी, 1 महीना तक दौड़ते रह जाए तो हजारों बार मुलाकात होगी, दिन रात दौड़ते रहे तो इसका अर्थ है हिसाब में होना चाहिए था, तो कितने समय बाद
उनकी पहली मुलाकात होगी। अगर ये रहे या नहीं रहे तो इसका अर्थ यही हुआ है ना जी। तो कितने समय बाद वे पुनः यानी दोबारा, पुनः का मतलब हो गया दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक बार तो दौड़ शुरू होने के समय में दोनों की मुलाकात हुई, कहता है कितने समय बाद वे पुनः यानी दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ अगर ये रहे कितने समय बाद वे पुनः तिवारा या चौथी बार दोनों में कब भेंट होगी। पहली बार 36 मिनट के बाद, तो अब हिसाब किताब निकालोगे, दूसरी बार का उदाहरण लेंगे, तीसरी बार का, दूसरी बार का उदाहरण लो तो कब मिलेगा, हिसाब जितना है उस पर हो गया है मामला बनेगा। कैसे संक्षेप में बतलाते हैं, लेकिन ये सोचो तो पहली मुलाकात 8:36 पर, और दूसरी 9:12 पर पहली मुलाकात। अब हम लोग यहाँ से सोचे 8:36 के बाद दूसरी मुलाकात कब होगी। ये सोनिया का स्पीड है 12 मिनट में एक चक्कर, 18 मिनट में एक चक्कर, रवि का 12 मिनट में एक चक्कर। तो पहली मुलाकात हो चुकी है, हो चुकी है ना, कितना 8:36 पर यहाँ पर पहली मुलाकात हुई। अब हम लोग अगली मुलाकात की बात सोचे, 8:36 पर पुनः ये सोनिया और इसकी जो मुलाकात हुई, अब फिर आगे दौड़ना शुरू कर दिया। तो सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर काटती है, तो 8:36 में 18 मिनट जोड़ोगे तो 8:54 होता है, पता है ना। तो सोनिया 8:54 में, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, ए स्थान पर मुलाकात होगी। तो सोनिया 8:54 में ए स्थान पर होगी, होगी। अब फिर आगे की ओर बढ़ेगी चक्कर मारने के लिए, तो फिर 18 मिनट बाद यहाँ आएगी, तो 18 मिनट और जोड़ो ए स्थान पर, फिर कब आएगी, 8:54 में 18 मिनट जोड़ो तो 6 मिनट बाद 9 बज जाएगा। 18 में से 6 मिनट घटा दो, 12 मिनट बचा, तो 9:12 में सोनिया ए पर पुनः रहेगी, है ना। धीरज रख करके समझते जाओ। इसके बाद फिर इसमें 18 मिनट जोड़ो, 18, 12, 30 यानी 9:30 में सोनिया पुनः ए स्थान पर रहेगी। फिर इसमें 18 मिनट जोड़ो तो 9:48 में सोनिया ए स्थान पर फिर आ जाएगी। फिर 18 मिनट बाद तो 9:48 में 18 मिनट जोड़ोगी तो 9:66 60 मिनट पर 1 घंटा तो 10:06 हुआ। 10:06 में सोनिया यहाँ रहेगी ए पर। एक और निकाल कर छोड़ देते हैं, 18 मिनट इसमें जोड़ो तो 10:24 पर सोनिया ए पर रहेगी। अब चलो, अब रवि का निकालो, 8:36 पर रवि है और सोनिया इसी बिंदु पर, तो रवि 8:36 में है तो 12 मिनट में एक चक्कर मारता है। 8:36 में 12 मिनट जोड़ो, 8:48 में ए पर रहेगा ये रवि रहेगा। फिर 12 मिनट जोड़ोगे, 8:48 में ये 12 मिनट में घूम लेता है, तो 12 मिनट जोड़ेंगे तो 9 बज गया। 9 बजे पुनः रहेगा ये स्थान पर रवि। फिर 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर फिर ए पर आ जाएगा। फिर 12 मिनट में चक्कर मारता है तो फिर 12 मिनट बाद ए पर आएगा। तो 9:12 का मतलब 12 मिनट जोड़ो तो 9:24 में आएगा ए पर। फिर 12 मिनट बाद आ जाएगा यानी 9:36 ए पर रहेगा।
फिर 12 मिनट जोड़ो 9:48 पर ये पर रहेगा 9:48 तक का रिकॉर्ड लो। चलो जोड़ो थोड़ा और, फिर 9:48 12:60 10 बज जाएगा। 10 बजे दिन में फिर ए पर रहेगा रवि, फिर 10:12 में चक्कर मारता है 10:12 में, फिर ए पर रहेगा, फिर 10:12 में 12 जोड़ो तो 10:24 पर ए पर रहेगा। अब टाइम मिलाओ 8:48 8:44 ये नहीं मिला, 9 बजे ये 9:12 नहीं मिला, देखो 9:12 यहाँ है, 9:12 पर सोनिया की मुलाकात रवि से होगी दूसरी बार। इससे पहले 8:36 पर दोनों की पहली मुलाकात हुई, 9:12 पर रवि रहेगा ए पर, तो 9:12 पर सोनिया रहेगी ए पर दूसरी मुलाकात। ये दूसरी मुलाकात है ना, ये पहली मुलाकात 8:36 पर, 9:12 पर दूसरी मुलाकात। फिर टाइम मिलाओ 9:30, इसमें 9:30 नहीं है, 9:48 इसमें 9:48 है ना, 9:48 पर ये जो है तीसरी मुलाकात होगी, 9:48 पर तीसरी मुलाकात। इसके बाद देखो 10 बजे ए पर है रवि, इसमें 10 बजे नहीं है, 10:12 नहीं है, 10:24 दूसरी तीसरी ये चौथी मुलाकात होगी, 10:24 पर देखो ये चौथी मुलाकात होगी। हाँ, कुछ इसका अर्थ समझ रहे हो? पहली मुलाकात 8 बजे दोनों यात्रा शुरू किया, और पहली मुलाकात कितने मिनट बाद हुई? 8:36 पर। तो पहली मुलाकात हुई 36 मिनट बाद, 8 बजे दोनों चला, तो दूसरी मुलाकात देखो 9:12 पर हो रही है, तो 8:36 पर हुई पहली मुलाकात, इसके बाद सीधे 9:12 पर, तो कितने समय बाद? 8:36 में 24 मिनट जोड़ेंगे तब 9 बज गया, 24 मिनट और 12 मिनट आगे लिए 24:12 36 मिनट। फिर ये पहली मुलाकात 36 मिनट बाद हुई, तो दूसरी मुलाकात भी हम लोग दूसरी मुलाकात 36 मिनट बाद देख रहे हैं। हां जी, तो 36 मिनट का मतलब हुआ 8 बजे यात्रा शुरू किया था, पहली मुलाकात 8:36 बाद हुई, यानी 36 मिनट के बाद दूसरी मुलाकात 8 बजे के बाद दूसरी मुलाकात जो हुई 9:12 में, तो 8 बजे से लेकर 9:12 के बीच की दूरी 1 घंटा का 60 मिनट या 12 मिनट, 60 12 72, दूसरी मुलाकात 72 मिनट में होगी। समझ रहे हो कैसे? तीसरी मुलाकात हुई है तुमको 9:48 पर, यात्रा शुरू किया था 8 बजे, तो 9:48 यानी 1 घंटा 48 मिनट बाद, तो 1 घंटा 48 मिनट कितना समय, कितना मिनट? 60 मिनट 48 108, तीसरी मुलाकात 108 मिनट के बाद हो रही है ये तीसरी मुलाकात, है ना। चौथी मुलाकात देखो 10:24 पर हो रही है, तो 8 बजे जो यात्रा शुरू किया, तो चौथी मुलाकात 10:24 पर, यानी 2 घंटा 24 मिनट के बाद, तो 2 घंटा 24 मिनट कितना मिनट, तो 2 घंटा 120 मिनट और 24 144, चौथी मुलाकात हो रही है 144 मिनट के बाद। इसी तरह पांचवी छठी अनंत मुलाकात होगी, जब तक दोनों दौड़ते रहेंगे, तो कम से कम पहली मुलाकात कितने मिनट के बाद होगी, तो 36 मिनट के बाद। इसके बाद दूसरी मुलाकात देखो 72 मिनट के बाद, तीसरी 108 मिनट के बाद, तो देखो तो, और दोनों जो है दोनों का रफ्तार, सोनिया का कितना है तो 18 मिनट प्रति चक्कर, और रवि का
12 मिनट प्रति चक्कर, 18 और 12 दोनों संख्याओं को देखो काट रहा है, मतलब इन अनंत संख्याओं को काट रहा है। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 18 चौका 72, 12 छक्के 72, 18 छक्के 108, 12 नामिन 108, 18 नामिन 144, 18 गुने 9, 12 गुने 12 144। और याद करो दी गई संख्याओं की सीरीज में वह सबसे छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या संख्या अनंत संख्याओं वाले समूह में अगर सबसे छोटी संख्या को काट रही है ये दी गई संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जिसको पूर्ण रूप से काट रही है तो वही सबसे छोटी संख्या दी गई संख्या का लघुतम समापवर्तक कहलाता है, है ना? इसी बात तो इस टाइप के हिसाब को जो हम लोग बनाएंगे तो ये देखो तो ये तो 18 और 12 का लघुतम समापवर्तक है। अर्थात लघुतम समापवर्तक की परिभाषा के अनुसार क्या है लघुतम समापवर्तक की परिभाषा? दी गई संख्याओं का लघुतम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 18 और 12 36 से पहले वाला किसी संख्या को नहीं विभाजित करता है, बल्कि 36 पहली संख्या है जिसको विभाजित कर रही है, कर रहा है ये दोनों संख्या, और इससे आगे अनंत संख्याओं को विभाजित करेगा। तो चक्कर वाला हिसाब में इस टाइप का रहे तो दोनों के चक्कर का अगर हम लोग लघुतम निकाल ले तो वही इसका आंसर होगा। ये तो साबित कर दिए हैं, समझा दिए हैं, इसको समझ गए ना? तो भाषा में लिखाएगा दूसरे ढंग से, लेकिन क्यों लघुतम समापवर्तक निकालेंगे, कारण समझ में आ रहा है ना? हिसाब को समझे, अब लिखा जाए। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तू लोग उतारो। देखो हिसाब बना दिया है, तू लोग जो है इसको देख लो, उतार लो। देखो तो वही जो बोले हैं वही उतार दिए हैं, कभी भी देखोगे सब कुछ स्पष्ट समझ में आएगा, है ना? अब अगला टॉपिक रहेगा साबित करने वाला, साबित करे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स ये सब अपरिमेय संख्या है, उस पर आधारित एक थ्योरम बतलाएंगे। इसके बाद यही टॉपिक में, इस टॉपिक में ये थ्योरम काम करेगा।